सो फ्रेंड्स, अगर आप भी मोबीक्विक एप्लीकेशन को यूज करते हैं और आप मोबीक्विक एप्लीकेशन में जो जीप बैलेंस हो देता है, आप जीप बैलेंस को यूज कर लिए हैं और आप उसको वहां पे पे करना चाहते हैं ड्यू डेट से पहले, तो आप उसको कैसे पे करेंगे। एंड उसी के साथ आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप जीप बैलेंस को पे नहीं करते हैं, यानी उसको रिफंड नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई किया जाएगा, आपको इससे नुकसान और फायदे क्या है, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अकील और टेक फ्रेडिया चैनल में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में मोबीक्विक एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर लेना है। अब जैसे फ्रेंड्स मोबीक्विक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। बट हम बात करेंगे कि अगर आप जीप बैलेंस को यूज कर लिए हैं और आप उसको ड्यू डेट से पहले पे करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से पे करेंगे। एंड उसी के साथ आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप उसको उस बैलेंस को पे नहीं करते हैं तो आपको इससे नुकसान क्या है, इससे फ़ायदा क्या है, क्या आपको इससे हानि है या नहीं है, ये सारा कुछ आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं जो जीप बैलेंस है उसको मैं पे कर लेता हूं, आपको दिखा देता हूं पे कैसे होता है। तो पे करने के लिए आपको यहां पे फर्स्ट में यहां पे शो हो जाएगा, देख सकते हैं जीप बिल ड्यू। तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, जितना आपको जीप बैलेंस पे करना होगा यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपने कितना बैलेंस को लिया है। बट हम आपको बता दें फ्रेंड्स, इसमें अगर एक्टिव करना चाहते हैं जीप बैलेंस को तो एक्टिवेट चार्ज वहां पर आपको 90 रुपीज़ लगता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा पे 120, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पे, जो भी बैलेंस होगा जीप बैलेंस का, कितना यूज किए हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद आप मोबीक्विक एप्लीकेशन को जब फर्स्ट टाइम लॉग इन किए होंगे तो वहाँ पे आप 6 डिजिट का एक पिन बनाए होंगे, वही पिन आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे उस पिन को इंटर कर लेता हूँ और पिन इंटर करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है। मोबीक्विक में जो आप बैंक अकाउंट को लिंक किए होंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट शो हो जाएगा, आपको सिंपल सा यहाँ पे पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप मोबीक्विक एप्लीकेशन को पे करने के लिए आपको अपना यहाँ पे यूपीआई पिन इंटर करना है और यूपीआई पिन इंटर करने के बाद आप जैसे साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम ले सकता है फ्रेंड्स, और प्रोसेसिंग में टाइम लेने के बाद आपका जो जीप बैलेंस है यहाँ पे 100% यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आपको मैं दिखा, देखिए मेरा मैसेज भी आ चुका है और यहाँ आपको एक पॉपअप भी देखने को मिल जाएगा कि हाँ आप पे कर दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन लग चुका है, यानी आपका जो जीप बैलेंस है वो पे हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आप इस बैलेंस को पे नहीं करेंगे तो इससे नुकसान क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप भी जीप बैलेंस को एक्टिवेट कर लिए हैं और आप जीप बैलेंस को यूज भी कर लिए हैं और अभी तक आपने उस बैलेंस को रिफंड नहीं किया, यानी पे नहीं किए हैं, तो आपको जल्दी कर देना चाहिए, नहीं तो इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ा भुगतान देना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब डिटेल्स वहाँ पर लिंक है। अगर आप इन फ्यूचर कभी भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे किसी बैंक का तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिला जाएगा, क्योंकि वहाँ आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक है, वहाँ पर सारा डिटेल्स आपको शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप जीप बैलेंस को यूज कर लिए हैं और अभी तक आपको रिफंड नहीं किए हैं तो जल्दी रिफंड कर देने, तो आपको बहुत बड़ा भुगतान देना पड़ सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।